कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। बालटाल बेस कैंप पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने 100 बेड वाले डीआरडीओ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, साथ ही यात्रा को लेकर बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें 29 जून से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जबलपुर में दीक्षा गुप्ता ने अनोखी पेंटिंग बनाई है। दीक्षा गुप्ता ने कैनवास पर मेहंदी से तिरुपति बालाजी की अनोखी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। दीक्षा ने 9 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी तिरुपति बालाजी की पेंटिंग बनाई है। फरीदकोट में एक शख्स ने मिठाई से अनोखी कलाकारी की है। युवक ने मिठाई के डब्बे वाले कागज से राम मंदिर का भव्य मॉडल बनाया, साथ ही युवक ने कई धार्मिक स्थलों के मॉडल भी कागज पर उकेर कर बनाए। तिरुपति के बालाजी मंदिर के दरबार में एक्ट्रेस श्री लीला, डायरेक्टर एसएस थम्मन अपने साथियों के साथ पहुंचे और जहां पर सभी ने बालाजी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, वहीं एक्ट्रेस को देखने के लिए भीड़ नजर आई। छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से मशहूर मनपाट इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। सुंदर प्राकृतिक पहाड़ियों को देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा है, साथ ही वहां का मौसम भी सुहाना है। देश भर पर T20 वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। उदयपुर में सोने से दुनिया की सबसे छोटी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। दुर्ग के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कृत्रिम वाटरफॉल बनाया गया, वहीं जानवरों के बारे में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अगरतला में किसान ने कमाल करके दिखाया। किसान ने पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती की है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। वहीं अन्य किसान भी उसकी खेत देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चिली में जोरदार बर्फबारी का दौर जारी है। जोरदार बर्फबारी से चारों ओर बर्फ ही बिखरी नजर आ रही है। वहीं बर्फबारी होने से वहां के लोगों में काफी खुशी है।